हाय दोस्तों, आप लोग तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर देखे ही होंगे, पर क्या जानते हैं जगन्नाथ देव पुरी का जगन्नाथ मंदिर में कैसे आया? तो चलो दोस्तों, पेंटिंग करते करते आज मैं सुनाऊंगा जगन्नाथ देव के वो अनजान कहानियाँ। मैं हूँ आपका दोस्त शंख और आप देख रहे हैं भक्ति आर्ट। सत्ययुग में अवंती नगरी में एक राजा बसता था जिसका नाम था इंद्रदुम्न। वो राजा होने के पास पास था वो एक भगवत भक्त, और सत्ययुग में भगवान दर्शन होता था ध्यान के द्वारा, और राजा तो भगवान दर्शन के लिए व्याकुल था। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण राजा के दरबार में आया और बोलने लगे, नीलाद्री पर्वत में भगवान रहते थे नीलमाधव रूप में, पर राजा को तो मालूम नहीं था नीलाद्री पर्वत कहाँ है, और वो ब्राह्मण भी चला गया। इसलिए वो पर्वत ढूंढने के लिए राजा के राजसभा में जितनी भी ब्राह्मण था सबको जिम्मेदारी दी कि वो पर्वत ढूंढ निकालना ही है, पर सब तो आ गए। उसके राजसभा में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था विद्यापति, वो नहीं आया क्योंकि वो नीलाद्री पर्वत कहाँ है ढूंढ लिया था, और उनको पता चला नीलाद्री पर्वत की एक गुफा में नीलगिरी पर्वत में रहने वाले विश्ववासु जो कि सबर का राजा था वो कहीं नीलगिरी गुप्त गुफा में नीलमाधव को पूजा करते हैं। विद्यापति बहुत ढूंढते ढूंढते विश्ववासु के घर में आ पहुंचा और बहुत टायर्ड हो चुका था, पर वो जब आया तो विश्वासु घर में नहीं थे। उस समय घर में था विश्वासु का डॉटर ललिता। वो विद्यावती को इतना टायर्ड देखकर बोला कि बैठने को कहा। विद्यावती भी बैठा और थोड़ी देर बाद विश्वासु घर लौटे, और एक ब्राह्मण को देखकर विश्वासु बहुत खुश हुए। उसको विद्यावती को बोला, आप इतना टायर्ड है तो कुछ दिन रह ही जाओ फिर चला जाना। ये सुनकर विद्यापति भी कुछ दिन विश्वासु के घर में ठहर ही गया। कुछ दिन रहने के बाद विश्वासु कहा कि उनकी डॉटर को शादी करे, और विद्यापति भी कुछ दिन बाद विश्वासु की डॉटर से शादी कर लिया। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति विश्वासु को कहा कि वो भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। विद्यापति तो घबरा गया, कैसे ले जाए, वो तो गुप्त गुफा है। तब विद्यापति कहा, मुझसे क्या छुपाना, मैं तो आपका संबंधी हूँ, मैं तो आपका सानिल्ला हूँ, तो मुझसे क्या छुपाना। ये सुनकर विश्वासु भी बोला, हाँ वो तो मेरा संबंधी ही है, उससे क्या छुपाना। तो विश्वासु भी मान गया कि विद्यापति को भगवान का दर्शन कराएंगे, पर विश्वासु विद्यापति के सामने एक शर्त रखा। वो शर्त क्या है कि वो जब विश्वासु को विश्वासु जब विद्यापति को गुप्त गुफा के तरफ ले जाएगा तो विद्यापति का आंख कपड़े से ढका होगा। विद्यापति भी मान गया, तो चलो आंख ढका हुआ तो क्या हुआ, भगवान को तो दर्शन करेगा ना, भगवान का तो दर्शन मिलेगा उसको, इसलिए वो भी मान गया। जब वो गुफा के तरफ जाने वाला था तब ललिता को कहा कि ललिता मुझे थोड़ा सा वो मस्टर्ड होता है ना, मस्टर्ड का दाना दे दो। और वो भी उनको मस्टर्ड का दाना दे दिया। तब जब विश्वासु विद्यापति को ले जा रहा था, विद्यापति क्या क्या करा, वो मस्टर्ड का दाना को रास्ते में गिरा रहा था। ओ तो गिराते 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 पहुंच गया, भगवान का दर्शन हुआ, फिर चले आए सब।
उसके बाद विद्यावती वो मास्टर का दाना देखकर वो गुफा में अकेला गया कुछ दिन बाद। और वो भी राजा और उसके सेना दल के साथ। फिर सभी जो गुफा के अंदर गया तो देखा नील माधव अंतरित हो गए थे। सब ने सोचा कि वो विश्वासु का ही कुछ करतूत होगा, पर विश्वासु भी नहीं जानते थे कि नील माधव कहाँ गया। कुछ दिन बाद राजा इंद्रदम्न के सपने में भगवान आए और बोला कि वो अंतरित हो गए हैं। भगवान का नील माधव रूप वैकुंठ में लौट चुका था, पर बोला वो एक ऊंट के रूप में समुद्र में तैर रहे थे। वो सपना आने का कुछ देर बाद ही राजा दौड़ के समुद्र के पार में गया और देखा हाँ एक ऊंट वो लकड़ी तैर रहा था। वो तो लकड़ी मिल चुका था, पर उसको समुद्र से कोई उठा नहीं सकता था, कोई भी इतना बलवान सेना भी नहीं उठा सकता था। तो इंद्रदम्न क्या करे। फिर उस सपने में देखा कि भगवान बोल रहे थे इस लकड़ी का एक साइड विश्वासु और एक साइड विद्यावती पकड़कर उठाए तो उठ सकते हैं। राजा भी विश्वासु और विद्यावती को बुलाया, एक साइड विद्यावती ने पकड़ा और एक साइड विश्वासु ने पकड़ा। जो लकड़ी इतना सैन्य दल और इतना महारथी से नहीं उठे, वो विद्यावती और विश्वासु से आसानी से उठ गया। फिर राजा ने लकड़ी को तो उठा लिया था, पर उसको रूप देने के लिए शिल्पी को बुलाया। तो जो भी शिल्पी इस लकड़ी में घा दे रहा था, उसका जो औजार है ना वो टूट रहा था। तो क्या करे, कैसे रूप दे इसको। कुछ देर बाद एक ओल्ड मैन आया और उसने बोला मैं इस लकड़ी को रूप दे सकता हूँ। तो राजा तो बहुत ही घबरा गया, क्या इतना बड़ा बड़ा आर्टिस्ट नहीं रूप दे सकते हैं, वो तो ये ओल्ड मैन क्या करेगा, वो भी सोचने लगा। पर वो जो ओल्ड मैन था वो था विश्वकर्मा। तो ओल्ड मैन ने बोला हाँ मैं कर सकता हूँ। उस ओल्ड मैन ने उनका नाम बताया था अनंत राणा और बोला था मैं जब तक काम करूँगा मेरे रूम में कोई भी नहीं आना चाहिए। और राजा मान गए थे, हाँ कोई नहीं आएगा, आपके तरह ही काम करो, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आपको डिस्टर्ब करेगा। और ओल्ड मैन ने ये भी कहा था कोई भी मेरे काम, मैं जब तक काम करूँगा उस समय आया तो मैं चला जाऊँगा, मैं नहीं काम करूँगा। राजा ने कहा ठीक है चलो। वो जो रूम में काम कर रहे थे विश्वकर्मा, उस रूम से सात दिन तक साउंड आ रहा था कि वो काम कर रहे, पर 7 दिन बाद सडनली वो साउंड ऑफ हो गया था, साइलेंट हो गया था सब। राजा ने सोचा सडनली सब साइलेंट हो गया तो क्या हुआ, वो जो काम कर रहा था वो ठीक है तो, उसको कुछ नहीं हुआ तो। इसलिए राजा क्या करा, वो जो दरवाजा रूम का दरवाजा खोल दिया और देखा कि 3 मूर्तियां खड़ा है जो कि असमाप्त है, कंप्लीट नहीं था। राजा तो ये देखकर बहुत ही सैड फील किया, जे मेरी वजह से
ये मूर्तियाँ कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या करें। उसने सोचा कि उसके उसके वजह से ही ये सब हुआ तो वो प्राण त्याग देगा। फिर भगवान ने कहा, मैं असंपूर्ण नहीं हूँ, मैं इस रूप में ही वैकुंठ में रहती हूँ, और तुम इस रूप का आराधना करो। फिर ब्रह्मदेव ने आकर इस असंपूर्ण दिखने वाली, पर ये संपूर्ण था, हम देख रहे हैं असंपूर्ण, इस मूर्ति को श्रृंगार करके स्थापना किया, और यही है हमारा जगन्नाथ देव। और भी विस्तार से जानने के लिए आप जरूर फॉलो कीजिए भक्ति श्री श्री भक्ति चारू स्वामी को। मैं कहीं नहीं, श्री श्री भक्ति चारू स्वामी के पास से ही जाना हूँ। प्लीज़ फॉलो करें उनको, और बहुत भी पुराण का जो तथ्य है उनसे मिल जाएगा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे।